ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨਪਾਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। बेअदबी की घटनाओं का सवाल है, उसके ऊपर कांग्रेस तो 100% झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी के भी सभी लूटर एक के आगे निकलकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे दुख जो मुझे होता है कि फूलका साहब जैसा इंसान जो सुप्रीम कोर्ट के खुद लायर हैं, वो ऐसी धमकियां दे रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि वो जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कुछ भी सरदार प्रकाश सिंह बादल के अगेंस्ट किसी भी रिपोर्ट में नहीं आया, ये उनको अच्छी तरह बात मालूम है। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो केस कैसे रजिस्टर हो जाएगा? और अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं विधानसभा से धमकी दे दूंगा। वो अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसके लिए वो शहीद का खिताब हासिल करने के लिए ऐसी जो बात का ऐसी धमकी का सहारा ले रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि एक वकील के लिए।